मैं हूँ अर्पिता और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल अर्पिता किचन एंड क्रिएशंस में। आज हम इसी वीडियो में देखेंगे हम जो पूजा करते हैं तो वो फूल को हम कैसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फूल लिया था जो भगवान को चढ़ाया जाता है, तो उसको मैंने पूरी तरह सुखा दिया था फूल को। इस तरह से देखिए हम इसको अलग अलग कर लेंगे फूल को हाथों की मदद से, और हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ग्राइंडिंग कर लेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा फूल और दे दिए हैं। इसमें हम दे देंगे जो हम पूजा में यूज करते हैं कर्पूर, उसको मैंने 8-10 कर्पूर लिया है, और मैंने यहाँ पे अगरबत्ती लिया है। अगर आपके पास धूप हो तो वो अच्छा है, लेकिन मेरे पास धूप नहीं था तो इसीलिए मैंने अगरबत्ती को थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में पहले 2-3 सेकंड के लिए ग्राइंडिंग कर लिया था टुकड़ा करके, फिर मैंने इसको पाउडर बना दिया है। देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिला के पाउडर बना दिया है। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। देखिए पूरी तरह से ग्राइंडिंग हो गई है, पूरा पाउडर की तरह हो गया है। अब हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा हनी। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हनी डाला है, और यहाँ पे मैंने घी डाला है। आप चाहे तो घी को यहाँ पे मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी दे सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पे पानी दिया था। देखिए ये पूरी तरह मिक्स हो गया है। अब हम एक दिया लेंगे और उसके हम एक कोई भी इस तरह से एक पॉलीथीन दे देंगे, और उसकी जो हम एक डो की तरह बना के रखे थे फूल को, उसको इस तरह से प्रेस करके हम बीच में दे देंगे और उसको पूरा टाइट कर लेंगे और बीच में एक होल बना लेंगे। मैं अब और एक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमने मिक्स लिया था इसको हम दे देंगे बीच में, इस तरह से प्रेस कर लेंगे और बीच में हम होल बना देंगे। इस तरह से आप कोई भी दिया में भी आप बना सकते हैं। देखिए मैंने ये एक पीतल का लिया है, ये बस थोड़ा छोटा बनेगा। इस तरह से हम सेम ही जैसे बनाए थे दिया में, इसी तरह से इसमें भी हम बना लेंगे, लेकिन पॉलीथीन का यूज करना, नहीं तो नीचे चिपक जाता है ये। इसको हमें 1-2 दिन धूप में सुखा लेनी है, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ कम धूप हो वहाँ ही आपको सुखानी है, इससे अच्छी महक आती है। इसको तो आप पूजा में नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूजा का बाद का फूल है, तो आप घर पे आप कोई भी जगह पे आप रख के इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो कैसे यूज करते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इस तरह से आपको एक जो हम बनाए हैं बोलेंगे, इसमें हम एक कर्पूर दे देंगे, थोड़ा सा घी दे देंगे और इसको हम जला लेंगे। कर्पूर पूरी जलने के बाद हम इसको फूंक लेंगे, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये धुआं निकलता है। ये आपका आराम से 1.5-2 घंटा ये अच्छे से खुशबू आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।